ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। पत्रकार विक्रम जोशी हत्याकांड दोषियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने के संबंध में बलरामपुर में पत्रकारों ने महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी बलरामपुर को दिया। 16 जुलाई 2020 को विक्रम जोशी को बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर पत्रकार संघ काफी आक्रोशित व आहत में है। देश का चौथा स्तंभ या पत्रकार के साथ ऐसा ही होता रहा तो पत्रकार दुनिया के सामने तक कैसे रह पाएंगे। पत्रकार संघ ने मांग करते हुए कहा कि पत्रकार साथी के साथ जो घटना हुई है उसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए, जिससे पत्रकार के साथ ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए बलरामपुर से मोहम्मद हकीम की रिपोर्ट। ये बेसिकली 22 जून की घटना है। ये एक मोटर एक्सीडेंट में वो थे और एक नाइक थे, तो उसमें से गाड़ी और एक आदमी रिकवर हो गए, सिर्फ ये रह गए। ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर थे और बीआरओ में काम कर रहे थे। तो अभी टिल डेट इनकी बॉडी नहीं मिली है। तो आज से अराउंड 5 दिन पहले हम लोग वहाँ गए देखे उनके घर पर, तो उनको था कि अभी भी ढूंढने में सफिशियंट प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो जो हम लोगों ने लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो उनके द्वारा SDRF टीम के माध्यम से रोज किया जा रहा है प्रयास और डेली एक्टिविटीज़ का उन्होंने फोटो भी हमें भेजा है। फिर भी मतलब उनकी मतलब उनको कुछ कंफ्यूजन है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि वहाँ कुछ कार्रवाई कम हो रही है। तो इसी संदर्भ में तीन व्यक्ति की टीम बना के पुलिस की और उनको भी भेजा गया है। अगर वहाँ अगर प्रयास में किसी तरह का कमी हो तो हमें बताएं, तो हम लोग फिर आगे भारत सरकार के बात भी करें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी एक लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस मैटर पर बात की है और वहाँ से भी रेगुलर इसका फीडबैक लिया जा रहा है और जल्दी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर, बाढ़ग्रस्त एरिया है, पहाड़ी नाला से पानी आता है, एक है सोहना बरगदवा, एक कछड़वा के अंदर अगर है वहाँ पे काफ़ी बाढ़ की समस्याएं हैं, फिर एक झरझर नाला है वहाँ पे भी इस तरीके से है, तो इस पर क्या करें? इसमें बेसिकली जो जब भी पहाड़ी नालों में कैचमेंट एरिया में बारिश होता है, तो उस एरिया में जब भी बारिश होगा तो सारा पानी फ्लश आउट करता है हमारे नॉर्दर्न ब्लॉक्स के एरिया में, जब तक वो नदी में आके नहीं मिलता है। तो नियरली 24 से 48 घंटा बारिश रुकने के बाद भी पानी रहता है। तो जहाँ जहाँ की शिकायतें आती हैं उसको हम लोग रेगुलर चेक कराते हैं और जहाँ भी कमी होती है तो अगर तत्काल वहाँ व्यवस्था करते हैं। अभी जिले में नाव की व्यवस्था कितनी है? कुल जनपद में अभी हम लोगों ने 60 नाव मंगवाए हैं, 24 तुलसीपुर में दिया गया है, 24 बलरामपुर तहसील में और 12 उतरौला तहसील में। ये बेसिकली डीप्स में जहाँ जहाँ पानी आ गया है वहाँ लोगों का आना जाने में कोई समस्या ना हो उसके लिए प्रबंध कर रहे हैं। सर, लॉकडाउन का जो है सोमवार से अफवाह फैली हुई है, सोमवार से 14 दिन का लॉकडाउन बलरामपुर में हो रहा है, तो क्या कहेंगे सर? ऐसा ये कोई लॉकडाउन नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे अलग अलग टिकट्स में केसेस निकल के आए हैं। तो अगर आप उसका कंटेनमेंट जोन देखिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा शहर कवर हो रहा है, तो उसी को हम लोगों को लागू कराना है और घर घर जाके हम लोग को होम टीम भेज के सर्वेलेंस कराना है। जो भी डाउटफुल केसेस हैं सारी और ILI के केसेस सबको हम लोग आइडेंटिफाई करके टेस्ट करा के अगर होम आइसोलेशन लाइक जगह है तो वहाँ रखा जाएगा, नहीं तो L1 हम लोग चलता है। सर, एक और क्वेश्चन है, यह है कि बलरामपुर में गौशाला इतने हैं और